हरियाणा के अंबाला में एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है कि पुलिस जिस महिला का अंतिम संस्कार करने पहुंची वो कोरोना संदिग्ध थी और ये खबर इलाके में फैल गई। लोगों को जैसे ही पता चला कि पुलिस किसी कोरोना संदिग्ध का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पहुंची है तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। शमशान घाट के गेट पर कुछ महिलाएं रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पुलिस ने कार्रवाई की तो महिलाओं ने उस पर हमला कर दिया। भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ लोग पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इधर बुलाओ। हालात बिगड़ते देख पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। इस हमले में एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों पर भी पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया और 10 से ज्यादा लोगों को पकड़कर बसों और गाड़ियों में भर दिया गया। जिन्होंने पुलिस की टीम पे, डॉक्टरों की टीम पे और हमला किया, एम्बुलेंस के शीशे तोड़े, जिनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई आरोपी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। इन लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया। पथराव कुछ लोगों ने शरारती तकवन किया है, उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया हमने। हंगामे के बीच कोरोना संदिग्ध का अंतिम संस्कार भी किया गया। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने दावा किया कि इस अंतिम संस्कार से इलाके के लोगों को कोई खतरा नहीं है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों की वापसी के लिए पटना यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष और उनके समर्थक तो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की दलील है कि उसने ये कार्रवाई सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होने पर की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों की वापसी के लिए पटना यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार और उनके कुछ समर्थक धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई और सबको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई पर छात्र संघ अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई और बिहार की नीतीश सरकार को खूब कोसा। बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वही योगी, वही पे महाराष्ट्र, सब सरकार अपने बच्चों को बुला ली है। छात्रों को हिरासत में लेने पर जब पुलिस से सवाल हुआ तो उसने सोशल डिस्टेंसिंग को वजह बता दिया। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों की मदद के लिए नीतीश सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां फोन पर लोगों की दिक्कतें सुनकर उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिल्ली में बिहार भवन में बने इस कंट्रोल रूम में फोन करने वाले ज्यादातर लोग गांव लौटने का इंतजाम करने की गुहार लगाते दिखे, जिनका ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। फंसे लोग ये भी पूछते हैं कि उन्हें वापस कब भेजा जाएगा, लेकिन यही जानकारी दी जाती है कि भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक उन्हें बिहार भेजा नहीं जा सकता फिलहाल, जिसके लिए बिहार सरकार ने सफाई भी दी। केंद्र सरकार अगर इस विषय में कोई छूट लाकर प्रयास करती है तो उसका पालन करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार का आज भी रुख जस का तस है। हालांकि आरजेडी ने इसे नीतीश सरकार का दोहरा रवैया बताकर हमला तेज कर दिया। क्या आपने रसूखदार लोगों के बच्चों को नहीं बुलवाया? आपके सिस्टम ने बुलाया। आप लॉकडाउन को एक फसाद की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी राज्यों ने बुलाया, क्या उस पर कोई केंद्र की प्रतिक्रिया हुई? तल्ख नहीं। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे बच्चों को घर ले जाने की व्यवस्था करने की अपील की। बिहार से पढ़ाई करने आए कई छात्र लॉकडाउन की वजह से वहां फंसे हैं, जबकि कई राज्य सरकारों ने अपने यहां के पढ़ने वाले बच्चों को निकाल लिया। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अपने राज्य के बच्चों को वापस ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे नाराज शहर में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों ने सड़क पर बैठकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल छात्र मुंह और नाक को मास्क से ढके नजर आए। इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन का केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लॉकडाउन के चलते इस प्रकार एकत्रित होना उनका कृत्य सही नहीं था। इस संबंध में थाना पर एक मुकदमा भी दर्ज किया है, इसकी जाँच चल रही है। यूपी के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दोनों साधु वहां के एक मंदिर की देखरेख करते थे और उसी के परिसर में पुलिस को दोनों साधुओं के शव मिले।
जिसकी खबर फैलते ही इलाके के कई लोग भी वहां पहुंच गए। लॉकडाउन के बीच लोगों की भारी भीड़ मंदिर के बाहर जुट गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दोनों साधुओं की हत्या के आरोप में मुरारी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। वो गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी ने एक साधु का चिमटा चुराया था और उसी बात पर साधुओं के साथ उसकी बहस हो गई थी। आरोप है कि उसी बात से गुस्से में आकर उसने बड़ी बेरहमी से दोनों साधुओं की हत्या कर दी। मंदिर परिसर में दो साधुओं की हत्या पर सीएम योगी ने भी सख्त रुख अपनाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी के ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट कर ये जानकारी भी दी गई कि साधुओं की हत्या के दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की सेना के साथ जोरदार झड़प हो गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच वहां सैकड़ों लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वहां सेना को उतारना पड़ा। रोके जाने से भड़के प्रदर्शनकारियों की जवानों के साथ हाथापाई शुरू हो गई। इससे पहले ये लोग वहां नियमों को तोड़कर राजधानी बेरूत की सड़कों पर इकट्ठा हो गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेना की कार्रवाई पर लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। कुछ लोग एक इमारत की खिड़कियों को तोड़ते नजर आए। इस दौरान वहां आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आग लगाकर रास्ते बंद कर दिए। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। बताया गया इस हंगामे में कुछ एम्बुलेंस भी फंस गईं, जिनको किसी तरह वहां से निकाला गया। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती लालू प्रसाद यादव पर भी कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के वार्ड में भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद डॉक्टर समेत 22 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। बताया गया कि अगर इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो लालू प्रसाद यादव का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही एहतियात बरतते हुए लालू प्रसाद यादव को क्वारंटीन भी किया जा सकता है। डॉक्टर सहित 22 लोगों को सैंपल गया जांच के लिए। ये बहुत भयावह स्थिति है। आग्रह करूंगा कि आप उन्हें पेरोल पर छोड़ने का काम कीजिए। वहीं रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। वो काफी समझदार हैं, नहीं निकल रहे हैं कमरे से बाहर, और हम लोग भी जाते हैं तो 2-3 मिनट से हम लोग कमरे में नहीं रहते हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कुछ लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस के कुछ जवान वहां समझाने पहुंचे थे। लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाहर घूमने से मना किया तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कुछ पुलिस वाले लॉकडाउन के दौरान सड़क पर घूम रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस के साथ बहस करते नजर आए। थोड़ी ही देर में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने पुलिस के एक जवान को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने भी उसे डंडा मार दिया। इस बीच एक दूसरा आदमी पुलिस वाले पर डंडा चलाता दिखाई दिया। इसके बाद कई लोग पुलिस वाले पर टूट पड़े और उससे मारपीट करने लगे, जबकि वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले मारपीट कर रहे लोगों को रोकते नजर आए। राजस्थान में कई मजदूर सरकार की हिदायत को नजरअंदाज कर पैदल ही अपने गांवों के लिए रवाना हो गए और दूसरे जिलों से चलकर जयपुर पहुंच गए, जबकि राज्य सरकार ये साफ कर चुकी है कि सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाएगा। लेकिन सरकार की इस हिदायत को नजरअंदाज कर कई मजदूर राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में मौजूद अपने गाँव की तरफ पैदल ही निकल पड़े। एक तरफ दूसरे राज्यों में जो फंसे मजदूर उनको लाने के लाया जा रहा है, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो पैदल भी चल रहे हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर एक जगह गए हुए थे काम करने के लिए और वहां से अब झालावाड़ जा रहे हैं। शहर की एक सड़क से कई मजदूर एक साथ गुजरते दिखाई दिए। कुछ मजदूर सिर पर सामान रखे नजर आए तो किसी ने रास्ते में पीने के लिए बोतल में पानी ले रखा था। कोरोना वायरस से बचने के लिए गांव लौट रहे मजदूर मुंह और नाक को कपड़े से ढके दिखे। इसी बीच न्यूज 18 की टीम ने कुछ मजदूरों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि खुद प्रशासन के लोग उन्हें गांव लौटने में मदद कर रहे हैं। प्रशासन ने कोई गाड़ी वाड़ी उपलब्ध नहीं कराई? नहीं, रास्ते से बिठा दिया था। बिठाया था? हाँ, बिठाया था। मदद कर रहे हैं आपकी? हाँ, मदद कर रहे हैं। दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत में भी अपनी दस्तक दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग में काम करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद उस कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही कर्मचारी के परिवार वालों और रजिस्ट्री विभाग के 2 कर्मचारियों को भी
क्वारंटीन कर दिया गया। बताया गया कि यह कर्मचारी आखिरी बार 16 अप्रैल को कोर्ट गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले लोगों की भी तलाश तेज कर दी गई। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे इटली को अब पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से बंद पड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्रियों को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 7 हफ्ते बाद फैक्ट्रियों में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्रियों की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके बाद सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहनकर काम करते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी लोग एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। कर्मचारियों के बीच में एक प्लास्टिक की शीट भी लगी नजर आई, जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें। अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले कर्मचारी औजारों को सैनिटाइज करते भी दिखे। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया, साथ ही पोस्टर भी लगे दिखे जिन पर सही तरीके से सफाई कैसे करनी है वो भी दिखा। इसके अलावा कर्मचारियों के शरीर का तापमान मापने के लिए मशीनें भी लगाई गईं, जिसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिहायशी इलाके में घुसे 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। ये हाथी जंगल से रास्ता भटककर रिहायशी इलाके में घुस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को देख दोनों हाथी उसकी तरफ दौड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद दोनों हाथी एक तालाब के पास पहुंचकर पानी पीते नजर आए। हाथियों को भगाने के लिए लोग वहां भी पहुंच गए, जिसके बाद दोनों हाथी पास ही बने कुछ मकानों के पास पहुंचे और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। पूरा घर घुस गया छोटू वो तो। बताया गया कि काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद दोनों हाथी वहां से जंगल की तरफ लौट गए। देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की तताद 1000 के करीब पहुंच चुकी है और 5 राज्य ऐसे हैं जहां लोगों की मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की वजह से जितने मरीजों की मौत हुई है उनमें 80% मौत के मामले पांच राज्यों से सामने आए। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। देश में अब तक कोरोना की वजह से जितने मरीजों की मौत हुई है उनमें 40% मरीज केवल महाराष्ट्र से, जबकि कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों में 17% मरीज गुजरात से हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों में करीब 12% मरीज सामने आ चुके हैं। और दिल्ली में भी ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से मरने वालों में करीब, जो देश भर में मरे हैं उनमें 6% मरीज दिल्ली से हुए हैं। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना की वजह से करीब 5% मौत के मामले सामने आ चुके हैं, यानी देश भर का 5%। किम जोंग उन की सेहत पर जारी अटकलों के बीच उत्तर कोरिया में हालात पूरी तरह सामान्य होने का दावा किया गया। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक ऑपरेशन के बाद किम की हालत बिगड़ गई, लेकिन राजधानी प्योंगयांग से सामने आई तस्वीरों में हालात काफी हद तक सामान्य नजर आए। वहां कोरोना से बेपरवाह लोग सड़कों पर आते जाते दिखे, कारों के साथ ट्रैम और बसें भी चलती नजर आईं। फुटपाथ भी पैदल चलने वाले लोगों से भरे दिखे। दावा किया गया कि वहां के ज्यादातर दफ्तर और स्कूल कॉलेज भी आम दिनों की तरह ही खुले हैं। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पहले ही उत्तर कोरिया के कोरोना से बेअसर होने का ऐलान कर चुके हैं, हालांकि इसके बाद उनकी खुद की सेहत पर अटकलें लगने लगी। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया भर की निगाहें किम जोंग उन की सेहत पर टिक गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके सही सलामत होने का दावा किया। I do have a very good idea, but I can't talk about it now. I just wish him well. I've had a very good relationship with Kim Jong Un. पटना के पौश इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए। ये इलाका मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बेहद पास होने से पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ गए और डॉक्टरों की एक टीम के साथ इस इलाके में पहुंच गए। पुलिस वालों ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया, जबकि डॉक्टर वहां रहने वाले कुछ और लोगों को जांच के लिए ले गए। वीआईपी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जो प्रशासन की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ साथ लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में सफाई कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने प्रशासन पर पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सूट, मास्क और दस्ताने समेत दूसरी जरूरी चीजें नहीं देने का आरोप लगाया और सड़क पर एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसमें काफी तादाद में महिला कर्मचारी भी शामिल रही। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा, यानी वो एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सभी लोग मास्क और कपड़ों से अपने मुंह को ढके हुए भी नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर नजर आए जिन पर कोरोना से बचाव के लिए जरूरी चीजें देने की मांग लिखी दिखी। लंदन में जारी लॉकडाउन के बीच कई लोग अपने घरों से निकलकर न केवल पार्क में गए बल्कि वहां आइसक्रीम भी खाई।
लंदन समेत पूरे ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एक इलाके में कई लोग पार्क में घूमने पहुंच गए, कुछ लोग पैदल ही वहां पहुंचे तो कुछ साइकिल चलाते हुए पार्क में दाखिल हुए। वहां खड़े एक आइसक्रीम वाले से कुछ लोगों ने आइसक्रीम खरीदी और धूप में खड़े होकर उसका मजा लिया। बड़ों के साथ कुछ बच्चे भी वहां खेलते नजर आए। अपनी मस्ती में उन्होंने लॉकडाउन की भी परवाह नहीं की। पास में ही कुछ लोग नाव चलाते दिखाई दिए। वहीं एक आदमी गिटार बजाता नजर आया। सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे वहां कोरोना वायरस का डर ही ना हो। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और उसने सबसे पहले आइसक्रीम वाले को वहां से हटाया। इसके बाद भी काफी देर तक लोगों का पार्क में आना जाना जारी रहा। मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में बसें चलाने वाला महकमा बेस्ट ने अपनी छोटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके लिए बेस्ट प्रशासन ने 20 छोटी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया और जरूरत पड़ने पर बेस्ट की कई और छोटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया जाएगा। दलील ये दी गई कि एम्बुलेंस छोटी होने की वजह से शहर के गली मोहल्लों में आसानी से पहुंच जाएंगी, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल मेडिकल उपकरण और दवाइयों को लाने ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। पुणे में कोरोना वायरस के संदिग्धों को रखने के लिए एक मस्जिद को ही क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में उन लोगों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाएंगे और इसके लिए एक मस्जिद में ही पूरे इंतजाम किए गए। मस्जिद के हॉल को वार्ड में तब्दील कर दिया गया। वार्ड में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए कोरोना मरीजों के लिए बेड लगाए गए और उनके बीच दूरी का भी ध्यान रखा गया। गर्मी को देखते हुए जगह जगह पंखे भी लगाए गए। साथ ही वार्ड में मरीजों के लिए पानी की बोतलें और हाथ धोने के लिए कई साबुन भी रखे दिखे। पानी का मामला है, बाथरूम्स हैं, फैंस हैं, खाने का इंतजाम हम करेंगे। बताया गया कि इस सेंटर में हर वक्त डॉक्टर मौजूद रहेंगे, साथ ही दवाइयां भी रखी जाएंगी ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। गुजरात के सूरत में लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए कुछ कलाकारों ने सड़क पर पेंटिंग बना दी। इस पेंटिंग की मदद से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई और एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सड़क पर ही 30 फीट लंबी पेंटिंग बनाई गई। इन लोगों ने कोरोना वायरस की तरह दिखने वाली डरावनी पेंटिंग बनाई और लोगों को इस वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर रहने की सलाह भी दी। इस पेंटिंग में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे डॉक्टरों की तस्वीरें भी बनाई गईं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए भी जागरूक किया गया। पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों ने बताया कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दूसरी जरूरी बातों का भी सख्ती से पालन कर रहे हैं। सब्जी वाले को किसी को खड़े नहीं रहने देते, जाते हैं तो सब हाथ धोस करके ही आते हैं। सब जितनी भी सुरक्षा हमसे रहती है उतने सब लोगों से बोलते हैं कि रखो। पेंटिंग पूरी बनने के बाद कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और कोरोना वायरस से बचने के लिए पेंटिंग बनाकर संदेश देने वालों की तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने चेतावनी दी कि आतंकी संगठन कोरोना का फायदा उठाकर युवाओं को निशाना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि ऐसे युवा जो कोरोना के खतरे की वजह से अपने घरों में हैं और अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं, उनमें नफरत भरकर और उनके गुस्से का फायदा उठाकर उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती कराया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी है कि युवाओं में निराशा और गुस्से की वजह से वो आतंकी संगठनों में शामिल हो सकते हैं और दावा है कि कई देशों में सोशल मीडिया के जरिए इसकी कोशिश भी तेज कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के मुताबिक कोरोना से पहले तक दुनिया में हर 5 युवाओं में एक अशिक्षित और एक हिंसा या संघर्ष से प्रभावित था। दावा है कि ऐसे युवा ही आतंकी संगठन का आसानी से निशाना बन रहे हैं, जिसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दुनिया भर के देशों से युवाओं की प्रतिभा को बाहर लाने और उनके सहयोग को बढ़ाने पर जोर देने की नसीहत दी।